दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के दो कोर्सेज, जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज और 5-6 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स इसको डाउनलोड करनी होगी। वहां पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आदि 250 से अधिक कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो हमारे एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में फ्री नोट्स डाउनलोड का भी ऑप्शन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन की। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो बेनिफिट प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि हर व्यक्ति जो है, जो उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, जो मार्जिनल बेनिफिट मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो पेमेंट करेगा। लेकिन हो सकता है कि किसी स्कूल या हॉस्पिटल से अमीर को कम बेनिफिट मिल रहा है और गरीब को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो अमीर उसके लिए कम पेमेंट करेगा जबकि गरीब उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा, पेमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू दी मार्जिनल बेनिफिट प्रिंसिपल। लेकिन ये जो प्रिंसिपल था मार्जिनल बेनिफिट, वो इक्विटी के खिलाफ था। तो इस कमी को दूर करने के लिए एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल आया। तो ये एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है वो सोशल जस्टिस पर बेस्ड है, इक्विटी पर बेस्ड है। और ये प्रिंसिपल कहता है कि एक तो ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, आप समझ लीजिए। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब है कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा टैक्स देगा, जो कम इनकम कमाता है वो कम टैक्स देगा। तो ये टैक्स क्या कहता है, टैक्स शुड बी रिलेटेड विद द पीपल्स इनकम और द एबिलिटी टू पे। तो ये थ्योरी सिंपल शब्दों में कहें तो ये थ्योरी जो है वो लोगों की इनकम और एबिलिटी टू पे पर निर्भर करती है। यानी कि जिसकी एबिलिटी टू पे ज़्यादा होगी वो ज़्यादा टैक्स देगा और जिसकी एबिलिटी टू पे कम होगी वो कम टैक्स देगा। ठीक है, दैट इज पीपल इज ग्रेटर इनकम और वेल्थ एंड कैन अफोर्ड द पे टू पे मोर टैक्स, टैक्सेस शुड बी टेस्ट एज ए हायर रेट। यानी कि उसका जो टैक्स है उसका हायर रेट होना चाहिए और जिसकी इनकम और वेल्थ कम होगी उसका जो टैक्स का रेट है वो कम होना चाहिए। तो बेसिक प्रिंसिपल तो यही आपसे कहना चाह रहा है। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल हमें बताता है कि जिसके पास इनकम और वेल्थ ज़्यादा होगी, जिसकी उसकी एबिलिटी टू पे ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा टैक्स देगा, और जिसके पास इनकम और वेल्थ कम होगी उसके पास कम उसकी एबिलिटी टू पे होगी और वो कम टैक्स भरेगा। तो बेसिकली इसका जस्टिफिकेशन की हम बात करें तो ये इक्वल सेक्रीफाइस पर बेस्ड है। तो देखिए, इक्वल सेक्रीफाइस का क्या मतलब है, इक्वल सेक्रीफाइस का मतलब है कि जो पेन है वो सबको बराबर बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि अमीर व्यक्ति से ज़्यादा पैसे लिए जाएं और गरीब व्यक्ति से कम पैसे लिए जाएं, तभी तो जस्टिफिकेशन हो पाएगा, तभी तो इक्विटी आ पाएगी। यानी कि ये इक्वल सेक्रीफाइस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसके अलावा ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम पर बेस्ड है। हम जानते हैं कि जैसे ऐसे हमारी यूटिलिटी इनकम ज़्यादा होगी वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटती चली जाएगी। तो जो अमीर व्यक्ति है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम कम होती है इसलिए उसको ज़्यादा पैसा देना चाहिए, और जो गरीब व्यक्ति है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम ज़्यादा होगी इसलिए उसे कम पेमेंट करना चाहिए। तो ये थ्योरी, ये जो प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे इंडेक्स हैं या फैक्टर्स हैं जो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल एबिलिटी टू पे को डिसाइड करते हैं, तो पहला प्रिंसिपल है वेल्थ। देखिए सॉरी, पहला जो इंडेक्स है वो वेल्थ है। देखिए, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि आमतौर पर यह माना जाता है कि जिसके पास वेल्थ ज़्यादा होगी उसके पास एबिलिटी टू पे भी ज़्यादा होगी, और जिसकी वेल्थ कम होगी उसकी एबिलिटी टू पे कम होगी। क्योंकि जिसके पास वेल्थ है उसको अब ज़्यादा पैसा सेव नहीं करना, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन करने के लिए, तो इसलिए वो ज़्यादा पेमेंट कर पाएगा एज अ टैक्स। और जिस जैसे आप देखिए ना, जिसके पास मान लीजिए हाउस है उसी से तो हाउस टैक्स लिया जाएगा, जिसके पास हाउस नहीं है उससे क्यों हाउस टैक्स लिया जाएगा। तो जो हाउस टैक्स है वो किस पर बेस्ड है, वो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ही पर बेस्ड है। ठीक है, तो आप इस बात से बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल किस पर डिपेंड करता है, वेल्थ पर, दूसरा इनकम पर। तो इनकम जो है वो भी एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पर, इनकम टैक्स है वो भी उसी पर बेस्ड है। यानी कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसकी इनकम कम होगी वो कम टैक्स देगा। तीसरा, साइज ऑफ फैमिली। वैसे के लिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन हमें यह समझाया जा रहा है कि जिसकी साइज ऑफ फैमिली ज़्यादा होगी उसके पास इनकम के सोर्स भी ज़्यादा होंगे और उसकी एबिलिटी टू पे ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा कोई कोरिलेशन डायरेक्ट देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा कंजम्पशन का लेवल। अब देखिए, जब हम कोई चीज़ खर्च करते हैं, खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आप टीवी खरीद रहे हो, आप फ्रिज खरीद रहे हो, आप मोबाइल खरीद रहे हो, आप एसी खरीद रहे हो, तो इसका मतलब ये सब चीज़ दिखाती है कि आपके पास इनकम है तभी तो आप खरीद रहे हो, तो आप पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। ठीक है ना, आप जैसे जीएसटी है, जीएसटी में क्या है, अलग अलग रेट लगा रखे। मान लीजिए जीएसटी का एक रेट 5% है, 12% है, 18% है, तो और भी रेट है हमारे पास में 28% है। ठीक है, कुछ 0% भी है। तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि 28% उन चीज़ों पर लगाया जाता है जिनका प्रयोग या तो अमीर करते हैं या वो लग्जरी चीज़ें हैं। ठीक है, और 5% और 0% उन चीज़ों पर आता है जो नेसेसरी हैं। हालांकि इसका प्रयोग अमीर और गरीब दोनों ही करते हैं, लेकिन
यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि 28% अधिकतर लग्जरी चीज़ों पे ही लगता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि चार फैक्टर हैं या चार ऐसी इंडेक्स हैं, वेल्थ, इनकम, साइज ऑफ फैमिली और कंजम्पशन, वो डिसाइड करते हैं कि आपकी जो एबिलिटी ऑफ टैक्स है वो कितनी है। तो अगर हम बात करें कि आखिरकार एबिलिटी टू पे को कैसे हम मेज़र कर सकते हैं, तो इसके दो अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच है सब्जेक्टिव अप्रोच और दूसरी अप्रोच है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो हम दोनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है। तो जैसा कि आप अपनी साइड स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो मैं भी आपको अपने मोबाइल में जो है उससे समझा रहा हूँ बच्चों को। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है। द सब्जेक्टिव अप्रोच इज द बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ टैक्स पेयर टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स बर्डन। यानी कि जो हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच है वो हमारा साइकोलॉजिकल अप्रोच है। यानी कि जब हमारा टैक्स को हम पे करते हैं तो उस टैक्स को पे करने से कितना पेन हमें होता है या कितना दर्द हमें होता है या कितना डिससेटिस्फेक्शन होता है, तो या कितनी डिसयूटिलिटी हमें मिलती है, ये उस टर्म में मेजर होता है। यानी कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो सब्जेक्टिव अप्रोच है उसको हम यूटिलिटी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। हालांकि बाद में हम इसकी आलोचना करेंगे, लेकिन यहां पर आपको ये मान के चलना है कि जो हम जो इसका मेजरमेंट होगा टैक्स बर्डन का, वो यूटिलिटी के टर्म में होगा। आगे प्रोफेसर जे एस मिल इज ऑफ द ओपिनियन दैट एवरी टैक्स पेयर शुड शेयर द बर्डन ऑफ टैक्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो इक्वल प्रोपोर्शन में कैसे टैक्स बर्डन शेयर करेंगे, इसके तीन अलग अलग अप्रोचेज है वो हम डिस्कस करेंगे। उनका ये कहना था, ही सजेस्ट दैट पर्सन बिलोंगिंग टू द सिमिलर ग्रुप शुड बी रिगार्डेड इक्वली टू मेक हॉरिजेंटल इक्विटी एंड पर्सन विद द डिसिमिलर इनकम शुड बी ट्रीटेड एज डिसिमिलरिटी टू अचीव वर्टिकल इक्विटी। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वर्टिकल इक्विटी का मतलब और हॉरिजेंटल इक्विटी का मतलब मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखिए, मान लीजिए कि मैं जॉब करता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करता हूँ, तो ये टैक्स जो है सभी असिस्टेंट प्रोफेसर पे एक जैसा होना चाहिए। यानी कि क्योंकि हमारा इनकम स्लैब एक जैसा है, तो इनकम स्लैब एक जैसा होने की वजह से जितने भी लोग एक ही इनकम ग्रुप में आते हैं, ठीक है, तो मोर और लेस थोड़ा बहुत इनकम का फर्क होता है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस या उसका जो भी ज्वाइनिंग डेट है उसकी अकॉर्डिंग। लेकिन हम ये मान के चलें कि सभी को अगर एक ही ग्रुप माना लें असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी एक जैसी होती है, तो सभी पर एक जैसा टैक्स ही लगना चाहिए। ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल इक्विटी। और वर्टिकल इक्विटी का मतलब है कि क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी और एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी में बड़ा फर्क होता है, इसलिए दोनों में इक्विटी कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल इक्विटी होगी। यानी कि जो एसोसिएट प्रोफेसर होगा वो ज्यादा सैलरी पे करेगा, सॉरी टैक्स पे करेगा, और जो असिस्टेंट होगा वो कम सैलरी पे करेगा। तो बेसिकली बात यही है कि जो एक इनकम ग्रुप के लोग हैं वो एक जैसा टैक्स पे करेंगे, लेकिन अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग अलग अलग टैक्स पे करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं इक्विटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें तीन टर्म है, सबसे पहला है इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस, दूसरा है इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस और तीसरा है इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस। तो हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस। तो देखिए, जैसा कि हम यहां पे जानते हैं, इक्वल जो एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस है, इट इंप्लाइज दैट टोटल लॉस ऑफ यूटिलिटी और सैक्रिफाइस अबाउट शुड बी इक्वल फॉर ऑल द टैक्स पेयर बिलोंगिंग टू डिफरेंट इनकम ग्रुप। यानी कि जो उनका टैक्स का जो बर्डन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो वो सैक्रिफाइस करें, पे करें, वो दोनों के लिए बराबर बराबर हो। यानी कि जो डिसयूटिलिटी है वो दोनों के लिए बराबर बराबर हो इन टर्म ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इट मीन्स इज दैट द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी ऑफ इनकम बिटवीन बिफोर टैक्स एंड यूटिलिटी ऑफ इनकम आफ्टर टैक्स मस्ट सेम फॉर द एवरी टैक्स पेयर। तो जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है कि ये यूटिलिटी है ऑफ इनकम और ये है यूटिलिटी ऑफ इनकम बिफोर टैक्स, ठीक है, और ये आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे यानी कि यू वाई क्या है, यूटिलिटी ऑफ इनकम बिफोर टैक्स, यू वाई टी माई का मतलब है यूटिलिटी ऑफ इनकम आफ्टर टैक्स, ए की और बी की दोनों की बराबर है। मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। दिस टाइप ऑफ टैक्सेशन रिप्रेजेंट रिग्रेसिव टैक्सेशन। तो रिग्रेसिव टैक्सेशन किस तरीके से हुआ, ये पॉइंट भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ए व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति जो है वो कमाता है मान लीजिए 1,00,000 रुपये। सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें, अगर आप 1,00,000 रुपये कमाता है और उस पर जो टैक्स लगता है मान लीजिए एट द रेट ऑफ 10% उस पर टैक्स लगा, यानी कि वो कितना पेमेंट करेगा, वो पेमेंट करेगा 10,000 रुपये का,
यानी कि कितने रुपए बचे उसके पास में, 1 लाख में से, ठीक है, और कितने बचे, 10,000 में उसने माइनस कर दिए, तो कितने बचे, 90,000 रुपए बचे। ओके जी, यानी कि ये जो डिफरेंस है 1 लाख और 90,000 के बीच में, अगर हम उसे यूटिलिटी के टर्म में लिखें तो ये 10,000 रुपए तो मनी के टर्म में है, हम यूटिलिटी के टर्म में लिख रहे हैं। मान लीजिए उसकी यूटिलिटी जो लॉस की वो उसने की ए, हम कह देते ए, मान लीजिए ए उसने लॉस की, ए स्टार मान लीजिए, चलिए ए स्टार उसकी यूटिलिटी का लॉस हुआ, ठीक है जी। अब बी क्या है, बी मान लीजिए उसकी जो इनकम है, मान लीजिए उसकी इनकम 10,000 रुपए है, ठीक है, 10,000 रुपए उसकी इनकम मान लेते हैं, और उस पर क्या किया, मान लीजिए उसका जो टैक्स लगा, ठीक है, मान लीजिए उस पर टैक्स लगा 12% का या 15%, कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए 15% का टैक्स लगा, ठीक है। तो यहां पर जो 15% का टैक्स लगा उसके हिसाब से ये कितना पे करेगा, 150 रुपए पे करेगा, यानी कि पहले उसके पास 10,000 रुपए थे, अब उसने 1500 रुपए एज ए टैक्स पे कर दिया, तो यहां पे 8,500 रुपए उसके पास बचेंगे, जिसको कि हम मान लेते हैं कि उसने जो जिस यूटिलिटी हुई 20 स्टार के बराबर हुई। तो एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस थ्योरी कहती है कि दोनों ने जो लॉस किया, यानी कि इसने जो ए स्टार किया और इसने जो बी स्टार किया, वो दोनों बराबर बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए ये 1500 रुपए पे कर रहा है और ये भी 1500 पे करे, तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1500 पे करने से उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर जितना पेन उसे 1500 रुपए देने में हुआ है, उतना ही पेन इसको 10,000 रुपए देने में हुआ है, यही ये थ्योरी कहना चाह रही है। यानी कि ये एक्चुअल में मनी के टर्म में नहीं दिखा रहा है, बल्कि मेंटल स्टेटस में जो लॉस हुआ है, पेन हुआ है, उसको दिखाना चाह रहा है ये। तो ये थ्योरी कहती है इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस, कि दोनों का जो डिसकंफर्ट हुआ है ए का और बी का, वो बराबर बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली हमारा यहां से मतलब इस परसेंटेज से नहीं था, बल्कि डिसयूटिलिटी से था। तो ये टैक्स रेग्रेसिव क्यों है, देखिए रेग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि जो अमीर व्यक्ति है वो कम बर्डन पड़ रहा है उस पर, ठीक है, कम बर्डन इस सेंस में पड़ रहा है कि जो गरीब व्यक्ति है उसकी वैसे ही इनकम कम है, तो वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है एज कंपेयर टू अमीर। आप अमाउंट में देखिए ना, डिसयूटिलिटी में देखिए, ठीक है। तो ये वो टैक्स को हम, या हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही लेस प्रोग्रेसिव है, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर हम बात करें इक्वल प्रोपोर्शन सेक्रीफाइस की, तो ये बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपको एक बार बता देता हूं हमने क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन सेक्रीफाइस इंप्लाइज दैट लॉस ऑफ यूटिलिटी एज द रिजल्ट ऑफ टैक्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू द इनकम ऑफ टैक्स पेयर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हेंस द टैक्स पेयर विद हायर इनकम ग्रुप विल पे मोर देन हु हैव लोअर इनकम, बट द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस टू द इनकम विल बी द सेम फ्रॉम ऑल ग्रुप, यानी कि जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका रेशियो जो है वो सेम रहेगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको ठीक से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर यह फॉर्मूला बताया हुआ है, सेक्रीफाइस ऑफ द टैक्स टोटल इनकम, तो चलिए वही हम मान लेते हैं। मान लीजिए ये जो इनकम है, ठीक है, मान लीजिए इसकी इनकम 1 लाख रुपए है, जैसा कि हमने ए का माना था, और बी की इनकम जो है वो 10,000 रुपए है, ठीक है। तो ये टैक्स, ये प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि ये 10% टैक्स देगा, यानी कि इसका 10% कितना हुआ, 1 लाख का 10% 10,000 रुपए हुआ, और ये भी 10% देगा, यानी कि इसका कितना हुआ, 1,000 रुपए हुआ। तो इस केस में ये दोनों बराबर बराबर है, यानी कि 10% अगर ये दे रहा है तो 10% ये दे रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ये जो टैक्स पे करेगा वो 10% करेगा, ये भी टैक्स करेगा 10% करेगा, यानी कि ये 10,000 रुपए पे करेगा, ये भी 1,000 रुपए पे करेगा, लेकिन जो बर्डन ऑफ टैक्स है उसे बोलेंगे इक्वल प्रोपोर्शन सेक्रीफाइस। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड अ लीस्ट एग्रेसिव एग्रीगेट सेक्रीफाइस प्रिंसिपल, यानी कि इसमें क्या करते हैं कि जो दोनों का कंबाइंड हम टैक्स पे करते हैं, उसे दोनों का जो सेक्रीफाइस होगा, डिस सेक्रीफाइस यानी कि जो दुख होगा वो सबसे कम होगा। दिस इज दिस इन दिस प्रिंसिपल द टोटल सेक्रीफाइस मेड बाय ऑल टैक्स पेयर शुड बी लोएस्ट, तो वो हमने डिस्कस कर लिया कि दोनों जो टैक्स पेयर पे कर रहे हैं उसकी वजह से जो टोटल सेक्रीफाइस जो लॉस किया, जो गिव अप किया, वो सबसे कम होगा। अब इसको लोगों ने पसंद किया, अकॉर्डिंग टू पीगो दिस प्रिंसिपल अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इट टेक दैट डिसयूटिलिटी और सेक्रीफाइस मेड द कलेक्टिव वे फॉर द होल बॉडी ऑफ द टैक्स पेयर। तो मैं इसको, इसके अलावा द एजम्पशन मेड बाय द हिम सेक्रीफाइस मेड बाय इंडिविजुअल आर समड एज नॉट वैलिड, तो ये हम एजम्पशन हमारी है कि इसको हम
सेक्रीफाइस जो है वो द एजम्पशन मेड बाय हिम दैट सेक्रीफाइस मेड बाय इंडिविजुअल आर समड इज नॉट वैलिड। तो ये बेसिकली पीगू का मानना है। तो मसग्रेव ने भी इसको फेवर किया और डाल्टन ने फेवर किया। तो उनकी जो वर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। मसग्रेव का कहना है कि इट इज़ दी अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, दिस लीड टू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो इसके प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा है इन्होंने। और डाल्टन कह रहा है द टैक्स पेयर शुड बी लीस्ट हर्ट एंड लेफ्ट एज दे आर फाउंड, ठीक है। तो ये बेसिकली इस पूरी की पूरी थ्योरी का कंसेप्ट था। तो मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ या पूरा कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है इस पूरी की पूरी थ्योरी में। तो देखिए मार्जिनल जो हम बात करेंगे इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस की, देखिए इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस का मतलब है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी का लॉस किया ए ने और जो मार्जिनल यूटिलिटी का लॉस किया बी ने वो बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये प्रिंसिपल कहना चाह रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है यानी कि जो लॉस हुआ है ए बी इसका टैक्स के बाद ए का और वो बी के बराबर बराबर होना चाहिए। तो हालांकि हम इसको डायग्राम से भी दिखा सकते हैं लेकिन हमें बेसिकली ये समझना है कि ये थ्योरी में हमें जो फोकस किया गया है वो मार्जिनल यूटिलिटी पे किया गया है। क्योंकि जब दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी, डिस मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे कम लॉस होगा किसी भी इंडिविजुअल को। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का यहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरी इनकम है 1,00,000 रुपये से मेरी इनकम बढ़ती है, मान लीजिए मैं 1,00,000, मेरी इनकम सपोज जीरो है 1,00,000 रुपये बढ़ती है, ठीक है। तो और इसकी इनकम जीरो है और इसकी भी इनकम 1,00,000 रुपये से 10,000 रुपये से बढ़ती है, तो जो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि मैं ज़्यादा टैक्स पे करूंगा ये कम टैक्स पे करेगा और उसका जो बेस होगा वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगा। तो ये मार्जिनल इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस थ्योरी जो है वो हमें ये बताना चाहती है। तो बच्चों इस तरीके से हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच के तीनों अप्रोच हमारे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर आप एक टेबल के थ्रू इसका कंपेयर कर पाएंगे। तो जो इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस है वो लेस प्रोग्रेसिव है यानी कि इसका जो बर्डन है वो हाई इनकम ग्रुप पे कम पड़ता है और जो लोअर इनकम ग्रुप है उस पे ज़्यादा पड़ता है। इक्वल प्रपोर्शन जो है वो है तो प्रोग्रेसिव और कंपेयर टू इक्वल एब्सोल्यूट से ज़्यादा बेटर प्रोग्रेसिव है यानी कि उसमें क्या होता है कि जो हायर इनकम ग्रुप है उस पर हायर बर्डन पड़ता है और जो लोअर इनकम ग्रुप है उस पर लोअर बर्डन पड़ता है। इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस जो है वो हाई प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो हायर इनकम ग्रुप है उस पर हायर बर्डन पड़ता है और जो लोअर इनकम ग्रुप है उस पर लोअर इनकम पड़ता है। अगर हम बात करें इसके लिमिटेशंस की तो सब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ एबिलिटी टू पे की लिमिटेशंस की, तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि देखो लोगों की जो मार्जिनल सेक्रीफाइस करने से जो डिसयूटिलिटी हुई है उसको पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि देखिए लोगों का टेस्ट अलग होता है, प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, एटीट्यूड अलग होता है। इसके अलावा जो सेक्रीफाइस है वो सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव जो है उसको ठीक से तरीके से मेज़र नहीं कर सकते और ना ही कोई भी अथॉरिटी इसको मेज़र कर सकती है। तीसरा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेज़र डिक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी विद द इंक्रीजिंग ऑफ इनकम यानी कि आप ये पता नहीं कर सकते। तो बेसिकली सारी बातें वही हैं कि जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी है उसके बारे में आप पता नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिव। इसके अलावा फोर्थ लिखा हुआ है यूटिलिटी डिपेंड मोर ऑन इनकम अर्न बाय द इंडिविजुअल देन द इनकम अर्न थ्रू द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो यूटिलिटी जो है वो इनकम के अलावा इस पर भी डिपेंड करती है कि हमारी वेल्थ और प्रॉपर्टी कितनी है, तो इस पर कहीं पर भी ये बात नहीं कही गई है। इसके अलावा हमें यह भी समझना पड़ेगा कि ये जो अप्रोच है ये केवल आइडियल अप्रोच है, इसमें जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चेंजेज आते हैं उस पर कहीं पर भी फोकस नहीं किया गया, इसीलिए ये क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है ये साइंटिफिकली इसको ट्रू साबित हम नहीं कर सकते। तो ये हमने सारे के सारे जो क्रिटिसिज्म है इसके हमने पढ़े। अब बच्चों अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव अप्रोच की, तो सब्जेक्टिव अप्रोच तो हमने कवर कर ली, ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करें तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल एनालिसिस देता है कि किस तरीके से हम एबिलिटी ऑफ टैक्स को मेजर करें। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंडेक्स ऑफ एबिलिटी टू पे पिछली वीडियो में, तो यहाँ पे भी उन तीन ही इंडेक्स की बात की गई है, इनकम वेल्थ एंड कंजम्पशन, ठीक है। तो इनकम ज़्यादा होगी डेफिनेटली इनकम इज ए इंडेक्स। तो ऑब्जेक्टिव में ये प्रैक्टिकल नजरिया देता है, ये जो है ये थ्योरिकल नजरिया देता है, साइकोलॉजिकल नजरिया देता है, ये जो है अप्रोच प्रैक्टिकल नजरिया दे रही है। अगर इनकम ज़्यादा हो, वेल्थ ज़्यादा हो, कंजम्पशन का लेवल ज़्यादा हो तो डेफिनेटली उस पर जो टैक्स है वो ज़्यादा लगना चाहिए, और क्योंकि उसकी एबिलिटी टू पे ज़्यादा होगी ना। अगर मान लीजिए किसी की इनकम ज़्यादा है, वेल्थ ज़्यादा है, कंजम्पशन वो ज़्यादा कर रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसकी जो एबिलिटी टू पे है वो उस व्यक्ति से ज़्यादा है जो जिसके पास ये तीनों कम है। तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं, और उस पर टैक्स कम लगेगा जिनके पास ये तीनों चीज़ें कम है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा कंसेप्ट ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा।